बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड हेल्दी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 9 विच इज़ अबाउट मेन्यूज, MDI फॉर्म्स एंड डायलॉग बॉक्सेस। सो ओपन पेज नंबर 271 फ्रॉम योर बुक विच इज़ द चैप्टर नंबर 9। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेन्यूज। मेन्यूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेन्यूज होता क्या है? मेन्यूज आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। द यूज़र कैन सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यूज बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द मेन्यू आइटम। तो होता क्या है, इसमें मेन्यूज में हम लोग रिलेटेड कमांड्स को ग्रुप कर देते हैं। अब उस मेन्यू को, मेन्यू में जो भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिन आइटम्स को हम लोगों ने ग्रुप किया होता है, इनको क्लिक करके हम लोग वो पर्टिकुलर मेन्यू के बेस के ऊपर कोई भी हम लोग इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक की बात आई है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मेन्यूज़ जो है वो मेन्यूज़ सिर्फ एक ही क्लिक इवेंट को सपोर्ट करते हैं, जो कि अकर करता है जब भी कोई भी मेन्यू आइटम को हम क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड द मेन्यू बार एंड सब मेन्यू। मेन्यू बार के बारे में बात कर ली जाए, तो मेन्यू बार इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेन्यूज। अगेन ये मेन्यूज़ की डेफिनेशन में भी हम लोगों ने ये देखा कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कमांड्स। अब मेन्यू बार क्या चीज़ है? मेन्यू बार इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट मेन्यू। मेन्यू बार में हम लोग डिफरेंट मेन्यूज़ लगा सकते हैं। उस मेन्यूज़ को फर्दर क्लिक के ऊपर हम लोग मेन्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं या फिर मेन्यू आइटम डिस्प्ले कर सकते हैं। द यूज़र कैन सेलेक्ट एनी आइटम फ्रॉम द मेन्यू टू एग्जीक्यूट इट स्टेटमेंट। ऑब्वियसली जो भी मेन्यू आइटम में से आइटम सेलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बेस के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। अब मेन्यू में एक टर्म यूज़ होती है सब मेन्यू की, ठीक है। सब मेन्यू किस लिए यूज़ होता है? मेन्यू विद इन द मेन्यू, यानी कि एक हायर मेन्यू होगा या फिर हाई लेवल मेन्यू होगा और दूसरा होगा लो लेवल मेन्यू। अब हाई लेवल जो होगा वो क्या होगा, मेन मेन्यू होगा, उसके अंडर मेन्यूज आ जाएंगे, उसको हम लोग सब मेन्यू कह देते हैं। अब हम सब मेन्यू का यूज़ क्यों करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो मेन मेन्यू है उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकें, उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हम लोग दिखा सकें या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बार ना बना दें मेन्यू के, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम सब मेन्यूज़ का यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी रिलेटेड मेन्यू आइटम्स होते हैं उनको हम लोग, या फिर रिलेटेड आइटम्स होते हैं उन लोगों को हम लोग आपस में ग्रुप कर देते हैं ताकि हम लोग एक सब मेन्यू बना सकें। और सब मेन्यू के लिए एक हम लोग साइन यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से डी का साइन होता है, ठीक है, एरो का साइन होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई सब मेन्यू प्रेजेंट है। इसके बगैर भी हम लोग सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये साइन ही यूज़ करें या फिर हर एप्लीकेशन के अंदर ये साइन ही यूज़ हो। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिज़ाइनिंग मेन्यूज़ इन VB। अब विजुअल बेसिक के अंदर हम लोग मेन्यूज़ किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं? तो बड़ा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है विजुअल बेसिक, ताकि आप लोग इजीली मेन्यूज़ को डिज़ाइन कर सकें अपने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के। तो हम लोग मेन्यूज़ की ना लेवलिंग कर सकते हैं विजुअल बेसिक में। वो कैसे हो सकता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे कि आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि इस तरह से हम लोग लेवलिंग बना सकते हैं मेन्यूज़ की। लेकिन हम लोग ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि बहुत ज़्यादा लेवल्स हम लोग बनाएं, ठीक है, 2 या 2 से 3 लेवल्स हम लोग बनाते हैं ताकि यूज़र के लिए कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन्यू एडिटर। मेन्यू एडिटर क्या चीज़ है? मेन्यू एडिटर इज़ अ विजुअल बेसिक, इन विजुअल बेसिक इज़ यूज्ड टू क्रिएट मेन्यूज़ फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक के अंदर मेन्यू एडिटर को यूज़ करते हुए ही हम लोग विजुअल बेसिक के अंदर मेन्यू अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, आप पूछ सकते हैं मेन्यू, ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया मेन्यू होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, या फिर किस कौन से मेन्यू हो सकते हैं, सब मेन्यू हो सकते हैं, मेन्यू बार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि मेन्यू कैसे ऐड करेंगे हम अपने विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन में, अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेन्यू किस तरह बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मेन्यू एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ये विंडो में नज़र आ रहा है कि मेन्यू एडिटर इस तरह से होगा, ठीक है। उसके अंदर जो सारी पर्टिकुलर चीज़ें हैं इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस तो करेंगे, लेकिन मेनली क्या है, कैप्शन दे सकते हैं, उसको नेम दे सकते हैं मेन्यू को। कैप्शन क्या है? वो नाम जो कि अपीयर होगा मेन्यू के, मतलब के इटसेल्फ मेन्यू आइटम की जगह पे, और नेम वो है जो कि जिस नाम से उस मेन्यू को हम लोग कोड के अंदर यूज़ करेंगे, नेम से ये ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ओके का बटन है, तो इस तरह से हम लोग मेन्यू ऐड कर सकते हैं
करना अपनी एप्लीकेशन में। अब मेन्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कैप्शन, यानी कि कैप्शन दे सकते हैं हम जब भी मेन्यू बना रहे होते हैं। कैप्शन देना इट्स मीन के वो टेक्स्ट जो कि आप लोगों को मेन्यू आइटम की जगह पे अपीयर होगा वो कैप्शन होगा। जैसे कि हम लोग लेबल में भी कैप्शन देते आए हैं, बटन्स में भी कैप्शन देते आए हैं, इस तरह से सो ऑन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेम। नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द मेन्यू आइटम विच कैन बी यूज टू द यूज इन द मेन्यू विच कैन बी यूज इन अ कोड, जो कि कोड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेक्ड। चेक्ड का क्या मतलब है कि अगर आप आया कि आप लोग स्मॉल चेक्ड मार्क मेन्यू के अंदर शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, अगर तो आप इसको ट्रू कर देंगे इट्स मीन कि वहाँ पे चेक मार्क अपीयर हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं विजिबल। विजिबिलिटी हम लोग शो करवाने मतलब कि मेन्यू को शो करवाना चाहते हैं, हाइड करवाना चाहते हैं, आप क्या करवाना चाहते हैं वो हम लोग सेट कर सकते हैं विजिबल ऑप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनेबल्ड। एनेबल्ड का क्या मतलब है कि अगर तो हम लोग इसको फॉल्स में सेट कर देंगे तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो ग्रे आउट हो जाएगा और उसको हम लोग क्लिकेबल नहीं रहेगा, यानी कि उसको हम लोग क्लिक नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या चीज़ है, इफ़ यू क्रिएट अ मेन्यू अरे द दिस प्रॉपर्टी इंडिकेट द इंडेक्स ऑफ द मेन्यू आइटम, यानी कि अगर हम लोग अरे क्रिएट कर देंगे तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग तब यूज़ करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट की भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि उस मेन्यू आइटम को इन्वोक कर सकें। ये कैसे सेट करते हैं इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाएगी कि मेन्यू बनाना कैसे है। नाउ लेट्स मूव टू द स्क्रीन। स्क्रीन पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक एक्सी प्रोजेक्ट बना लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से टूल्स में से मेन्यू एडिटर ऑप्शन को ओपन करना है, ये देखें, ठीक है। या फिर कंट्रोल ई शॉर्टकट की भी मैं कीबोर्ड से यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम नंबर 9.1 हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑन द पेज नंबर 272। अगर आप लोगों ने बुक से फॉलो नहीं कर रहे थे तो आप बुक ओपन कर लें और बुक से ये प्रोग्राम ओपन कर लें। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि फाइल मेन्यू शो करे, ठीक है, और उसके अंदर सब मेन्यू दो और फर्दर क्रिएट करने हैं जो कि ऑप्शन वन और एग्जिट के नाम से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइल ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आइटम इन द मेन्यू, ठीक है, इसको मैं अगर इंसर्ट करूँगी तो ये इंसर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये तो नया ऐड करवा रहा है तो हाँ जी। इसके बाद क्या है कि मैंने नेक्स्ट ऐड करना है तो मुझे ये एरो का साइन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे नेक्स्ट करने के बाद एरो का साइन क्लिक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, ऑप्शन वन, ओके। तो यहाँ पे मेन्यू OPT मैंने उसको एक नेम भी दे दिया और कैप्शन भी दे दिया। आई थिंक मैंने फाइल को कैप्शन नेम नहीं दिया, इसको भी मैं नेम दे देती हूँ फाइल, ओके। देन ये भी हो गया। अब ये क्या है, सब मेन्यू है, इसलिए मुझे इसको यहाँ पे राइट एरो को क्लिक करना पड़ेगा ताकि मैं इसको सब मेन्यू बना सकूँ। वो अंडर आएगा फाइल के, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो वो क्या होगा कि ये मेन मेन्यू का ही पार्ट बन जाएगा। तो ये देखें, ठीक है। तो अब ये फोर डॉट्स अपीयर होने का मतलब है कि ये सब मेन्यू है। किसके अंदर सब मेन्यू है, ये फाइल के अंदर सब मेन्यू है। अब मैं नेक्स्ट मेन्यू ऐड करती हूँ। नेक्स्ट मेन्यू में कहा जा रहा है कि एग्जिट मेन्यू आइटम होना चाहिए, मेन्यू एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंसर्ट भी हो चुका हुआ है ये, और इसको मैं अगर ओके कर देती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके फॉर्म के अंदर वो मेन्यू क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। मेन जो आइटम था, मेन्यू का नाम था, वो क्या था, फाइल, ठीक है, जो मेन मेन्यू में आएगा। अब इसको मैं क्लिक करूँगी, सिंगल क्लिक के ऊपर मुझे सब मेन्यू इसका शो हो रहा है जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर इसको रन करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा, रन करने के बाद क्या होगा, रन करने के बाद भी आप लोगों को एज इट इज़ ये नज़र आ जाएगा। अब इस आइटम्स के क्लिक के ऊपर कोड मैंने नहीं किया हुआ था
तो लेकिन ये मेरा प्रीवियस कोड है जो कि नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब मैं इस आइटम के क्लिक के ऊपर अगर मैं कोई इवेंट लगाना चाहती हूँ, कोई कोडिंग करना चाहती हूँ, तो वो कैसे करूँगी? यानी कि इसके क्लिक तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके बेस के ऊपर मैंने कोई कोड नहीं किया होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करूँगी तो होगा क्या कि आप लोगों के पास एक कोड विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। कोड विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो ऑप्शन मेन्यू है, ठीक है, उसके ऊपर हमने कोडिंग कर दी हुई है कि मेन्यू मेक्स लाइफ इजियर। अब ये वाला जो फंक्शन है एग्जिट वाला, इसके ऊपर हमने एक और कोड कर देना है। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये प्रीवियस एप्लीकेशन के लिए था। अब यहाँ पे मैं एंड लिख देती हूँ। अब क्या होगा कि जो ऑप्शन वन है उसके क्लिक के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा और जो हमारे पास है एग्जिट है, ठीक है, वो उसके बेस के ऊपर हमारे पास कौन सा ऑप्शन क्लिक कर दिया जाएगा, कौन सा इवेंट कॉल कर दिया जाएगा एंड का। अभी ये फॉर्म लोड के ऊपर क्यों कॉल कर रहा है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं कि हमने तो एग्जिट के ऑप्शन के ऊपर इसको करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे लिख दिया तो अगर मैं इसको क्रॉस करती हूँ, दोबारा से रन करते हैं इसको, तो होगा क्या ये देखें फाइल, ठीक है, ऑप्शन वन को क्लिक किया तो वो मैसेज डिस्प्ले हो गया मुझे, मेन्यू मेक लाइफ इजियर। अब इसके बाद इसको दोबारा से मैं क्लिक करती हूँ, एग्जिट क्लिक करूँगी तो ये फाइल ये प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ गया है कि एंड हो चुका होगा। तो ये हमने वो पोर्शन भी ऐड कर दिया अपने लेक्चर के अंदर जो कि था पेज नंबर 273 पे, अटैचिंग कोड टू द मेन्यू। मेन्यू के साथ हम कोड कैसे अटैच कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को शो करवा दिया। उसको डबल क्लिक करने से आप लोग कोई भी कोड अटैच कर सकते हो मेन्यू के साथ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेपरेटर कैसे ऐड करेंगे मेन्यू के अंदर। ये जो जैसे कि आप लोगों को 273 पेज नंबर पे सेपरेटर नज़र आ रहा है, उसको कैसे ऐड करेंगे अपने मेन्यू के अंदर। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ से ही ओपन कर लेती हूँ मेन्यू एडिटर को, कंट्रोल प्लस ई करने से मेन्यू एडिटर ओपन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि ऑप्शन वन और एग्जिट के दरमियान में एक सेपरेटर ऐड हो जाए। तो सेपरेटर के लिए मुझे क्या करना होगा, एक और मेन्यू आइटम ऐड करना होगा, ठीक है। उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने हाइफ़न ऐड कर दिया और हाइफ़न के साथ साथ यहाँ पे कोई भी मेन्यू मतलब कि उसको आइटम को नेम दे देते हैं, MNU सेपरेटर के नाम से दे देते हैं, SCP लिख देते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये जो सा डिवाइडर है या फिर कह लें कि जो आपकी जो लाइन है, ठीक है, सेपरेटर है, वो सबसे एंड पे शो होगा। हम चाहते हैं कि इसको हम इन दोनों के दरमियान में, सब मेन्यूज़ के दरमियान में शो करें, तो उसके लिए मुझे इसको अप करना होगा, ठीक है। अप होगा तो ये अब सेंटर में आ गया, ये सेंटर में शो होगा। इसको मैं अगर ओके करती हूँ तो देखते हैं कि हमारा मेन्यू कैसे दिखेगा। तो ये देखें, अगर मैं फाइल को क्लिक करती हूँ तो इसके दरमियान में एक आपको ग्रे सी लाइन नज़र आ रही है, ये सेपरेटर है, ठीक है, जो कि एक आइटम को, एक मेन्यू आइटम को दूसरे मेन्यू आइटम से सेपरेट कर रही है। आप लोग मल्टीपल मेन्यू आइटम्स को भी सेपरेट कर सकते हो, मल्टीपल मेन्यू आइटम से ज़रूरी नहीं है कि एक एक आइटम को ही सेपरेट करें। तो इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि शॉर्टकट की कैसे सेट कर सकते हैं, कि किसी शॉर्टकट की के प्रेस के ऊपर हम लोग कोई मेन्यू का आइटम मतलब कि जनरेट करें। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो आप लोग मेन्यू एडिटर ओपन कर सकते हैं, उस तरह की शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि दोबारा से मेन्यू एडिटर को ओपन करना है, कंट्रोल ई प्रेस कर लेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, मेन्यू एडिटर ओपन हो जाएगा। मेन्यू एडिटर के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तो आप लोग एम्पेयर साइन लगा सकते हैं, सॉरी एम्पेयर एंड साइन लगा सकते हैं, या फिर आप लोग यहां से शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर तो मैं यहां पे एम्पेयर एंड का शॉर्टकट एम्पेयर एंड का साइन यूज़ करूंगी, यानी कि ऐसे एंड का साइन लगा दूंगी तो इसके क्लिक के ऊपर जो भी इवेंट परफॉर्म होना होगा वो परफॉर्म होगा। मैं ऑप्शन वन के ऊपर एम्पेयर का साइन लगाती हूँ और देखते हैं कि कैसे वर्किंग होगी, ठीक है। इस तरह से साइन लगा दिया, उसके बाद ओके किया। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं रन करती हूँ। रन करने के बाद मैंने यहाँ से कीबोर्ड से Alt प्लस O प्रेस किया तो होगा क्या कि ये जो सब आइटम है वो क्लिक हो जाएगा। okay.
तो यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि जो आपके जो सब मेन्यूज होते हैं यहाँ पे ये एम्पेयर एंड का साइन जो है वो वर्क नहीं करता। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आप मेन मेन्यू के ऊपर एम्पेयर का साइन लगा सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि अगेन मेन्यू एडिटर के ऊपर जाते हैं कंट्रोल प्लस ई, उसके बाद मेन्यू एडिटर ओपन किया और फाइल के साथ मैंने एम्पेयर एंड का साइन लगा दिया। एम्पेयर एंड के साइन की वजह से फाइल वाला मेन्यू ऑप्शन क्लिक होगा। तो इसको दोबारा से मैं रन करती हूँ। दोबारा से रन करने के बाद देखें ये आर्ट प्लस मैं एफ क्लिक करूँगी, ये देखें सब मेन्यू ओपन हो रहा है। और चूँकि वो ऑप्शन वन जो उनसे है उसके ऊपर अभी एम्पेयर एंड का साइन लगाया है, यहाँ पे अंडरलाइन आपको शो हो रहा है, इस वजह से अब इसका क्लिक के ऊपर वो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेन्यू के अंदर के मेन्यू को आइटम्स को हम लोग शॉर्टकट की मदद से इन्वोक कर सकते हैं।